अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र में खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी का एक युवक ने रॉड मारकर शीशे तोड़ दिए। बताया जाता है कि गाड़ी मालिक के परिवार से युवक का पुराना विवाद चल रहा है। गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाला अविनाश पासी और उसका एक साथी बताया जाता है। पीड़ित ने बताया कि इसके पहले भी धमकी दी गई थी कि जिसकी शिकायत सगरा थाना में दर्ज कराई गई थी। घटना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अगर पुलिस चाहे तो पूरी घटना का खुलासा हो सकता है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू का करीबी है, जो आए दिन उसे धमकी देता है। आइए सुनाते हैं पीड़ित ने क्या आरोप लगाए हैं। पीछे खड़ी है वर्तमान में भी अविनाश पासी, एक और उसे साथ आया और गाड़ी में राड मार के गाड़ी छोड़ के भाग गया। और चार दिन पहले मेरे घर 12-11 बजे रात गया है, वहाँ पे गाड़ी लगा के अपनी फोर व्हीलर से, वहाँ पे घर के सामने गाली गलौज दे रहा था और उल्टा सीधा तलवार उलवा लिया था। हमने उसकी शिकायत सगरा थाना में उसी रात कर दी है, मगर आज तक पुलिस प्रशासन नहीं गई। उसके बाद कल भी जो है तो 12:15 बजे रात गाली देते हुए घर के दो चक्कर राउंड मारा है। और बगल में हमारे यहाँ पटेल जी के यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसमें पूरी सी गाड़ी दिख रही है और उस नर्सों की भी और कल की भी। और अभी उसको पीछा हमारा पता नहीं क्या देख रहा था। हम यहाँ टीवी खरीदे थे कैमरा लगवाने के लिए, तो यह ड्राइवर बैठा था गाड़ी में आके राड मार के निकल गया, गाड़ी फोड़ दिया। मेरा नहीं, मेरे भतीजी का चल रहा है, उसका मेरा उसका नहीं चल रहा कुछ, मेरे भतीजी का केस चल रहा है। वो तो केस कोर्ट न्यायालय में है, मेरा उसका कोई केस मुकदमा ही नहीं है, मगर वो गुंडा के रूप में है। मंगू सरदार का बहुत खास माना जाता है और मंगू सरदार के दम में कर रहा है सगली गुंडाई। हमारी गाड़ी क्या जैसी तैसी कर दिया, पूरी गाड़ी खत्म हो गई। हम रीवा ना आए, धमकी सबसे दे रहा कि रीवा में आगे तो डब्बा बना के भेज देंगे, और जो डब्बा बना दिया मेरी गाड़ी का। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।